नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप वर्मा है और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल डिजिटल संदीप सेवन पे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ग्रो ऐप से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और मोबाइल से ही। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ना ही इसको बनाने की ज़रूरत है, सिंपल। मैं लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर पहले बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको क्या करना ज़रूरी है, लर्निंग। ठीक है, अगर आपने लर्निंग नहीं की ना तो आप उसमें फेल हो सकते हैं। अगर आपने लर्निंग की तो हो सकता है 99% चांसेस हैं कि आप पास हो जाएं। तो एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप क्या बाइक बिना सीखे चला देते हैं? नहीं ना, आपने पहले बाइक सीखी होगी, फिर आप उसको चलाने लगे होंगे, फिर आप उसमें एक्सपर्ट हुए होंगे ना। तो वैसे यहाँ पे भी है, ट्रेडिंग में भी सेम यही सिचुएशन है कि आपको पहले सीखना है, जानना है, मार्केट के बारे में एनालिसिस करना है, उसके बाद में आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, फिर बाद में सही हो जाएगा। फिर आप उसको जैसे बाइक राइड करते ना, एज ए ईजी इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया, सिंपल सिंपल तरीके से, वैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दोगे सिंपल तरीके से। कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस इसको करने के लिए थोड़ा सा सीखना ज़रूरी है। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ग्रो ऐप से ट्रेडिंग कर सकते हो, अपना स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उसे परचेज कर सकते हो, उसे सेल कर सकते हो, उसे बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊँगा कि कैसे आप अपने सेल को, अपने स्टॉक को बाई करेंगे, तो उसके लिए आपको बाय करने के लिए किन किन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इस वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है, इसे आप पूरा स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, आप अभी से ही यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको वैल्यूबल कंटेंट मिल रहा है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, इसे देखिए और आगे भी शेयर करिएगा। मैं आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ से लोगों को नॉलेज मिलेगी, ठीक है, उस नॉलेज को आदमी गेन करके उससे कुछ ना कुछ वो अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और मैं बताता हूँ आपको कैसे हम लोग यहाँ पर ग्रो ऐप पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ग्रो ऐप में हैं, ठीक है, इसे यहाँ पे क्या करना है कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप जाके ग्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप वहाँ से नहीं डाउनलोड करना है तो आप सिंपल क्या करिएगा, प्ले स्टोर से जाके ग्रो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ग्रो ऐप से आपको क्या बेनिफिट है। ग्रो ऐप में रिफर एंड अर्न का एक स्कीम होता है, ठीक है, जहाँ पर आपको अगर आप किसी को रिफ़र करते हैं तो आपको भी 100 रुपये मिलता है, उस बंदे को भी 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आपको भी मिलेगा, आपके पार्टनर को भी मिलेगा जिसको आप रिफ़र करते हैं। एक रिफ़र पे आपको 100 रुपीज़ मिलता है, अगर आप दिन का 5 रिफ़र करते हैं तो समझ लीजिए आपको 500 रुपये मिल गया। अगर आप 300 दिन 5 रिफ़र कर लेते हैं तो 15,000 रुपये तो आप ऐसे ही बना लिया आपने, ठीक है। अगर 5 नहीं भी कर पाते हैं, आप 10 करते हैं तो भी आपके क्या बोलते हैं, सॉरी, 10,000 रुपये तो ऐसे ही बन गए, सॉरी, 5 से 10,000 रुपये आप यहां से बना सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं, सिर्फ रिफ़र के थ्रू मैं बता रहा हूं अभी आपको, मैंने ट्रेडिंग के थ्रू नहीं बताया है, सिर्फ रिफ़र के थ्रू। तो इस तरह से आप यहां पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास में इनकम आ जाए तो आप यहाँ से ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में पहले से पैसा है, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में पता है, नॉलेज अच्छी है आपकी, तो आप यहां से तुरंत पैसे लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में तो आप 1 महीने रिफ़र करके भी पैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास में पैसे आ जाएंगे तो आप यहां से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको ट्रेडिंग भी सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप पैसे भी यहाँ से कमा लेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले हमें इंटरफेस दिखाई दे रहा है, पूरा पेज आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है जिस भी मार्केट में आपको पैसे लगाने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप एनालाइज करेंगे, ठीक है, और आप जाके देख सकते हैं जो स्टॉक आपको चाहिए, जो कंपनी आपको चाहिए, जिस पे आपको भरोसा है, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करोगे, वो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको अभी भी बोरिंग लग रहा हो या ना समझ में आ रहा हो तो आप स्किप कर सकते हो, यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपल सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने लिया है और उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ लाइन सी आ रही होंगी, ठीक है, जैसे आपकी लाइफ लाइन चलती है ना, उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए ये भी इनकी लाइन चलती है। तो यहाँ पर आपको जनरली क्या बताता है, यहाँ पर आपको जनरली टाइम बताता है,
ठीक है, और इसके अलावा प्राइस बताता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि समय और पैसा, मतलब अगर समय और पैसा आप सही से यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, तो आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक, वो तो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं और कितने एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं NSE एंड BSE, ठीक है, NSE BSE, उसके लिए मैं एक आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, NSE क्या है, BSE क्या है, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना होगा। ठीक है, इसके ऊपर एक NSE और BSE के ऊपर आप एक वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसके लिए भी वीडियो अपनी बना के डाल दूंगा। यहाँ पे आपको ये देखिए मंथ वाइज, सॉरी यहाँ पे ये पर डे के हिसाब से है, ठीक है, वीकली है, मंथली है, तो आप यहाँ से कंपनी के बारे में पता लगा सकते हो कि मंथली ईयरली, थ्री ईयरली, फाइव ईयरली, ठीक है, पाँच साल में कंपनी कितना ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने पाँच साल में कितना टर्नओवर किया। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैक्सिमम कंपनी कितनी गई, 604, ठीक है, मैक्सिमम 604 तक गई है, और मिनिमम कितना गई है, मिनिमम आप देख सकते हैं इस समय 47 रुपये है। तो कंपनी का ग्राफ किस हिसाब से बढ़ रहा है, घट रहा है, ईयरली या ईयरली आप देख सकते हैं, ईयरली इस हिसाब से बढ़ा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक, ठीक है, आप कैंडल स्टिक भी देख सकते हैं, वो आपका ग्राफ हो गया, ये आपका कैंडल स्टिक है। अगर आपको कैंडल स्टिक रीड करना आ गया तो आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको कैंडल स्टिक के ऊपर भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको जाना है इस हिसाब से, यहाँ पे आपको बाई करना है। ठीक है, मार्केट हमेशा सुबह 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे बंद होता है, उस बीच में आप कभी भी बाई कर सकते हो और सेल कर सकते हो। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए है, ठीक, आप यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये आपका 47 रुपीज़ का है, आपको मान लीजिए क्या बोलते हैं 10 क्वांटिटी चाहिए, तो 10 क्वांटिटी आप यहाँ पे इंटर कर लो कि प्राइस लिमिट आपका 48 रुपीज़ है, और यहाँ पे अभी बैलेंस जो है वो इनसफिशियंट दिखा रहा है, अवेलेबल अमाउंट इज़ नॉट इनफ, तो वो ऑटोमेटिक ही ले लेगा जैसे ही आप 10 क्वांटिटी डालोगे। ठीक है, और ऐड मनी करोगे, ऐड मनी में आप अपने बैलेंस को ऐड कर लीजिएगा, इनके वॉलेट में आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको किसी भी लगता है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। वॉच लिस्ट ये है, ठीक, वॉच लिस्ट में आप इसको देखिए, वॉच लिस्ट क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट, आप अपने हिसाब से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। माई वॉच लिस्ट में 20 आइटम्स हैं, ठीक, और यहाँ आप व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हैं कि प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है, तो प्रेजेंट वाला भी आप इसको शेयर करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूज़ इवेंट्स एंड FNO, ठीक है, ओवरव्यू अगर हम देखेंगे इसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा की परफॉर्मेंस है। अभी इससे पहले मैं सिंप्लेक्स से बता रहा था, लेकिन यहाँ मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को ओपन कर लिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्मेंस है, वीकली है, ठीक है, टुडे लो कितना गया है, टुडे हाई कितना गया है, टुडे लो आपका 102 रुपये, टुडे हाई 106 रुपये, यहाँ पर आपको वीकली 52 वीक का मिल रहा है, तो 52 वीक में जो आपका लो गया है वो 61 गया है और हाई 108 गया है। ठीक है, कितने पे ओपन हुआ, 104 पे ओपन हुआ, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 103 थी, वैल्यूम आपका इतना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे तो एक्सपर्ट रेटिंग दी हुई है, 77% जो है एक्सपर्ट रेटिंग आया है, बाई जो किया है 77% लोगों ने किया, होल्ड जो है 16% ने किया है, और सेल 6% ने किया है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको नेक्स्ट वीक में या कल के लिए क्या करना है, आपको बाई करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। ठीक है, तो जो भी करना है वो आपको यहाँ से अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। फंडामेंटल हम देख सकते हैं, मार्केट कैप कितना है कंपनी का, मार्केट कैप आपका देख सकते हैं 53,524 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। ठीक है, ये इसकी पूरी फंडिंग होती है, एसेट्स होता है। ठीक है, रेशियो कितना है, पीबी रेशियो कितना है, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, इसमें कौन से वर्डिंग यूज़ किए गए हैं, वो आपको बाद में ही पता चलेगा जब आप इसके फंडामेंटल्स को थोड़ा सा सीखेंगे, टेक्निकल को सीखेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, बुक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फिनेंशियल रिवेन्यू क्या है, आप रिवेन्यू देख सकते हैं क्वार्टरली, ईयरली, ठीक है, ईयरली आपका ये रिवेन्यू दिया हुआ है कि एक साल में 2017 का रिवेन्यू आप देख सकते हैं कितना है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी बढ़ रही है, घट रही है, उसका रिवेन्यू पर ईयर कितना है। ठीक है, क्वार्टरली पर ईयर बढ़ रहा है, घट रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो ईयरली आपका है, ठीक है, रेवेन्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे,
करोड़ रुपीज़ में है, ठीक है। इसके अलावा आप प्रॉफिट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट आप शो करोगे, प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट इनका कितना हुआ है, माइनस में गया है कब, माइनस में गया है कब, आपका प्लस में गया है। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बने, क्योंकि मैं फुल डिटेल में आपको ग्रो ऐप के बारे में बता रहा हूँ, और शायद इतना फुल डिटेल में किसी ने भी ग्रो ऐप के बारे में नहीं बताया होगा, ठीक। आप यहाँ पे ईयरली चले जाएंगे, ईयरली में देख सकते हैं 2017, 18, 19, 20, 2020, 2021 तक का पूरा आपको फाइनल यहाँ पे दिखा रहे हैं। और नेटवर्थ हमें देखना कि इसमें नेटवर्थ कितना है क्वार्टरली ईयरली, जिस पे आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल ये बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रो ही कर रहा है, तो मतलब ये कंपनी अच्छी है, ग्रो कर रही है, तो हम यहाँ पे पैसे लगा सकते हैं। फिर और आपको देखना है सी डिटेल्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पूरी डिटेल में आपको प्रॉफिट लॉस क्या है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ठीक है, इनका बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट आप देख, बैलेंस शीट देख सकते हैं, कैश फ्लो इनका किस हिसाब से हो रहा है, ठीक है, ओपनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये सब आपको तभी आएगा जब आप यहाँ पे, ठीक है, कैश फ्लो, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट कंपनी, कंपनी क्या है, ठीक है, पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एमडी सीईओ कौन है, इसके फाउंडेड इन कब कंपनी बनी है, ठीक है, इनका सिंबल क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ से, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप प्रमोटर्स, रिटेल्स, ठीक है, प्रमोटर्स का कितना यहाँ पे शेयर होल्डिंग है, रिटेल वालों का कितना है, म्यूचुअल फंड का कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कितना है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का कितना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगी। कंपनी का बायोडाटा समझ लीजिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और कंपनी किस हिसाब से स्टैंड करती है आज की डेट में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड किसने किसने किया हुआ है, आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग फिनेंशियल, ICICI प्रोडियल फंड, SBI बैंकिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलर स्टॉक इनके कौन कौन से हैं, HDFC है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, तो यहाँ पे आपको फुल डिटेल पूरा मिल जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूज़ अगर कोई भी न्यूज़ होगी इसके बारे में तो आपको यहाँ पे न्यूज़ आ जाएगी, आप यहाँ पे न्यूज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इवेंट, ठीक है, इवेंट क्या क्या हैं, किस हिसाब से क्या इवेंट आ रहे हैं, बोनस राइट एंड स्प्लिट डिविडेंड का इवेंट कोई आ रहा है, अनाउंसमेंट कोई हुआ है, अनाउंसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, अदर एक्शन जो भी हैं, ठीक है, FNO यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन कॉल और पुट, कॉल और पुट क्या होता है, तो वो भी आपको तभी पता चलेगा जब आप आगे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट डिटेल आपका दिया हुआ है, ग्रो बैलेंस, यहाँ से आप अपना मनी ऐड कर सकते हैं, ऑल ऑर्डर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, बैंक डिटेल आप अपनी सारी डाल सकते हैं, रिफर एंड अर्न, यहाँ पर आप रिफर एंड अर्न पर जाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जिससे आप रेफ़र करना चाहें आप रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले ही इसमें बता चुका हूँ कि आपको रेफ़र पे कितना रुपया यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और अब हमें क्या देखना है, अगर हमने कोई स्टॉक ले लिया है और उस स्टॉक को हमें सेल करना है, ठीक, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे। इस पेज पे आप जैसे ही जाओगे फ्रंट पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑल स्टॉक, ऑल स्टॉक में जाके अगर आपको लगता है कि मेरे पास में इतने रुपए नहीं है, इतना रुपए मैं नहीं लगा सकता हूँ, तो आप यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हो। फ़िल्टर करने के बाद में आपको देखना है मार्केट कैप, ठीक है, इंडेक्स मार्केट कैप सेकंड नंबर पे है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने हिसाब से प्राइस रेट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको 1000 तक का स्टॉक देखना है, 1000 से नीचे 100 का स्टॉक देखना है, 100 रुपये तक का देखना है, स्मॉल, मिड, लार्ज, ठीक है, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि आप 0 से 5000 के बीच में देखना चाहें, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी जो भी आपका 0 से 100, 5000 के बीच में होगा स्टॉक, तो आप यहाँ से देख करके आप अपने हिसाब से उसको स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपने जैसे कोई भी ले लिया, ठीक है, स्टॉक ले लिया, अब आपको उसको सेल करना है, तो सेल कब करना है, टाइमिंग हमेशा याद रखिएगा, सेल सुबह 9:30 से और दोपहर में 3:30 बजे से पहले पहले करना होता है,
उसके बाद में मार्केट बंद हो जाती है। अब मान लीजिए जैसे ये स्टॉक है, इसको आपको सेल करना है, आपने बाई कर रखा है, तो सेल पे जैसे ही अब जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे अपनी जो भी क्वांटिटी है, 9 क्वांटिटी में से आपको 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी जो सेल करना है आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। वेरीफाई सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पेज ओपन होके आ रहा होगा, वेरीफाई यूजिंग टीपिन एंड ओटीपी। टीपिन इनका एक अपना पिन होता है और ओटीपी का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ये पेज थोड़ा सा ओपन हो रहा है, बफरिंग चल रही है, नेट थोड़ा सा स्लो है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टीपिन वेरिफिकेशन इंटर टीपिन। अगर आपको टीपिन नहीं पता है तो आप टीपिन को कैसे लेके आएंगे, तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे क्लिक हियर टू जनरेट टीपिन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज आपको ओपन हो गया। जनरेट टीपिन के लिए आपको क्या करना है, बीओ डिटेल्स लेना है, इंटर ओटीपी लेना, थैंक यू। तो यहाँ पे आपको बायो आईडी डालनी है, अपना पैन नंबर डालना है, डाल के जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपके पास में मैसेज के थ्रू टीपिन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तब आप यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अकाउंट डिटेल दिखा रहा होगा। अकाउंट डिटेल पे जब आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपके पास में पूरा अकाउंट डिटेल आ जाएगा। वहाँ पे आपको बायो आईडी मिल जाएगी, उस बायो आईडी को आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद में आपको वहाँ टीपिन की जगह पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद में आप अपना पैन कार्ड डालेंगे, आपको अपना टीपिन मिल जाएगा। और आप जैसे ही वो टीपिन इंटर करोगे आपका अपना स्टॉक सेल आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से आपको सेल करना है, किस तरह से आपको बाई करना है, मार्केट कैसे आपको पता लगानी है। यहाँ मैंने आपको फुल डिटेल पूरी इस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे लोगों के पास में पहुंचे और वो लोग भी इसको जाने सीखें, ठीक है, और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं वो अपनी। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो धन्यवाद।